खैरियत तो है, बार बार ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी सोच जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम फ्यूचर में एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहते हो जिसे किसी के सहारे की जरूरत है। देखो जिशान, मैं कोई बहुत ज्यादा दीनदार इंसान नहीं हूँ, मगर जितना मैंने अपने दीन को समझा है, इस्लाम नाम है दूसरों के एहसास को समझना, और यही दीन की रूह है। बिल्कुल ठीक बात की तुमने। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उस बात का असल मकसद बहुत कम लोग समझते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी सोच को लेके कितना सपोर्टिव? देखो, जब मेरे वालिद ने मेरी वालदा से शादी की तो एक बेवा थी, उन्हें उस दर्द का पता भी है और उसका एहसास भी रखती हैं, मगर जब बात मेरी सोच की आती है तो वो मुझसे इख्तलाफ रखती हैं। मगर मुझे इस बात का यकीन है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी मम्मी को मना लूंगा। क्या हो गया निशान, तुम किस ख्याल में गुम हो गए? नहीं, वर्क, बाद में बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे अरे, तस्वीर फाड़ने से पहले एक बार देख तो लेती, इंजीनियर लड़का था और एक ही तस्वीर थी मेरे पास भाई। चार चार कमेटियां डाली हुई इसने मेरे पास, मजाल हो जो एक भी कमेटी के बारे में इस बेचारे ने कभी पूछा हो। आपा, आपसे हजार मरतबा कहा है मुझे कमेटी के मेंबर मत दिखाया करें, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ जिशान से। कर ही ना लेगा ही जिशान। अरे जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा ना, उसका मिठाई भेजेगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अब ऐसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी खातिर अब मुझे जाके वहां पर सुनगुन लेनी ही पड़ेगी। एक ही तस्वीर थी, अभी फाड़ दी, नहीं तो कहीं और रिश्ता कराती ना, कमीशन मिल जाता। भाभी ये देखिए, मुझे ये कलर और छोटे साइज का ड्रेस बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अच्छा है ना? सो क्यूट, बहुत प्यारा है ये। पता है जिशान के पास भी सेम इसी कलर की शर्ट है, दिखाती तो। चल आजम, खुदा हाफिज। ओए अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा घर भी गुलशन में है ना? हाँ जी जी, आपके घर के करीब ही तो है। तो घर तुम्हारा अपना है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कराची में अपना घर होना कितनी बड़ी नेमत है। हाँ बस अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी घर पे आओ। मैं आज शाम में ही आ जाता हूँ, उस तरफ आना भी है मुझे। अच्छा चलो, किसी और दिन आता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आओ, हम शाम की चाय साथ में पी लेंगे। ठीक है चल, हो गया जान, हो गया जान। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं कुछ नहीं, छोड़ो। क्या बात है जिशान, सब ठीक है? एक्चुअली शाम में मेरे गुड़िया का आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम
तैयार हो जाना। मैं तैयार हो जाऊं? मगर क्यों? तुम तैयार होकर बहुत अच्छी लगती हो और मैं चाहता हूं तुम मेरे कुलीग को भी अच्छी लगो। तैयार तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे कुलीग के लिए नहीं, समझे? ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अरसे के बाद मुझे तैयार होने के लिए कहा है। मैं भी आती हूँ। से आपके इस तख्त पे बैठने का एक फायदा है, अच्छी चौकीदारी हो जाती है मरियम और जीशान की। शर्म तो नहीं आ रही होगी तुमको मुझे चौकीदार कहते हुए? खुला हुआ है दरवाजा, अंदर आ जाओ। अब कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रजिया खाला? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कोई नई कमेटी डाल रही हो या सानिया का रिश्ता लेकर आई हो? हाँ हाँ, बीसी भी डाल रही हूँ और सानिया का रिश्ता भी लेकर आऊंगी, मगर इस टूटे रिश्ते को तो बचा लो। पापा सटिया गई हो क्या? यहाँ कौन सा रिश्ता टूट रहा है? सफिया, बात करने की तमीज ना हो ना तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। वैसे भी अब तो तुम्हारी जबान बंद ही होने वाली है, खालिद शादी जो कर रहा है दूसरी। क्या खालिद तुमसे शादी कर रहा है? तुमसे ये सब किसने कहा? मैं खालिद के घर से सीधी यहीं आ रही हूँ और मुझे कहा गया है कि भाई कोई लड़की तलाश करो। खालिद दूसरी शादी कैसे कर सकता है? अरे जैसे पहले की थी, इस दफा तो रहमत बीबी ने 5,000 के बजाय 7,000 रुपए देने का कहा है। तो क्या खालिद सफिया को तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगा? पापा मैं आपको 14,000 दे दूंगी, ये शादी रुकवा दे। अरे भाई कब तक रोकूंगी, बस मरियम को इस घर से मैं जल्द निकालने वाली हूँ। उम्मीद से है वो, इसमें तलाक कैसे होगी? उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है, आप देखती जाएं। हाँ, देख तो मुझे बहुत कुछ रहा है और ये भी देखूंगी कि अपने भाई का बच्चा गोद में बैठा के तुम खिला रही होगी। जब गोद उजाड़ती जाए ना तो बच्चा गोद नहीं लिया जाता। पानी खिला दो मुझे। शादी रुकवा दे। अरे भाई कब तक रोकूंगी, बस मरियम को इस घर से मैं जल्द निकालने वाली हूँ। पापा मुझसे इतनी नफरत करती है, और अम्मी, क्या माँ ऐसी भी होती हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो दुश्मनी में इतना आगे भी जा सकती हैं। इसमें काला रंग भी है, वो भी मैडम को दिखा। ठीक है जी, आप बताइए इसमें। अच्छा आप तशरीफ रखिए। 714 का काला लेकर आओ। वहां क्या खड़े कर रहे हो, यहाँ आके जूता दिखाओ इन्हें। जूते दिखाने का नहीं, अब तुम्हारे जूते खाने का टाइम आ गया। यार क्या कर रही हो तुम, क्या बात हो गई है? शोहर जब दूसरी शादी करने जाए ना तो बीवियां हार नहीं पहनाती, जूते खिलाती हैं। क्या कर रही हो? शादी मैं नहीं अम्मा कराना चाह रही। अपनी अम्मा के कहने पर जब तुम धक्के मार के मुझे घर से निकाल सकते हो तो दूसरी शादी नहीं कर सकते? दुकान है ये, घर नहीं है, क्यों मेरी इज्जत का मजाक बना रही हो? अभी तो सिर्फ मजाक बनाया है, अब ऐसा तमाशा करूंगी ना कि पूरी दुनिया देखेगी। आप प्लीज देखिए जूता प्लीज। हाँ दिखाया मैडम को सही तरह। बैठो मैं खुद। अरे क्या रंग, ठीक ठाक हो? अंदर आओ। अस्सलाम
السلام رازم یہ میری بہن ہے ثانیہ فائنلی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ اور یہ رازم میرا کلیگ اور دوست تم تو میرے باس ہو یار باس واس سب آفس میں گھر پہ ہم لوگ دوست ثانیہ اندر سے مریم کو بلا دینا پلیز جی اچھا بھائی آؤ اندر آؤ وہ بھائی آپ کو بلا رہے ہیں اپنے فرینڈ سے ملوانے کے لیے اوہ مجھے یاد ہی نہیں رہا ثانیہ ایک کام کرو ذیشان سے جا کے کہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری طرف سے معذرت کر لیں کیوں بھابھی آپ ٹھیک تو ہے نا چکر آ رہے ہیں بہت اچھا آپ اپنا خیال رکھیں میں انہیں جا کے بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی بھائی بھابھی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اچھا چلو زیان پھر میں آتا ہوں کسی اور دن باقی فرینڈ کا گھر ویسے قریب میں ہے تو پھر زیادہ وزٹ کرتا ہوں دروازہ بند جی سوری ذیشان میں تمہارے دوست سے آل رائٹ تمہاری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہاں وہ بس دل گھبرا رہا تھا مجھ سے تو چھپا رہی نہیں تو آئی تھنک تمہیں امی اور ابا نے کچھ کہا دیکھو مریم امی اور آپا کی باتوں کا برا مت مانا کرو ایک بار ہمارا بچہ اس دنیا میں آ جائے ان ساری نفرتوں کو محبت میں بدل دے یہ لے امی چائے بڑے دل سے بنائیے مزہ آ جائے گا پی کر اللہ خوش رکھے سدا سہاگن رہے میری بچی ایسے سہاگ کا کیا فائدہ امی سہاگ کہیں اور میں خود کہیں اور اب میرا سچ اتنا تو کڑوا نہیں تھا کہ اس طرح کا منہ بنا دیا آپ نے یہ تمہارے سچ کی کڑواہٹ نہیں ہے اس چائے کی چائے بنائیے کریلے کا جو خود تو بولتی ہیں کڑک چائے بنایا کرو چائے کڑک بنانے کو کہا تھا بیٹا یہ تو نہیں کہا تھا مہینے بھر کی پتی ایک کپ میں ڈال دینا ویسے ایک بات ہے مریم کے ہاتھ میں ذائقہ ہے اچھا اب آپ کو میرے کام میں کیڑے نظر آ رہے اور خود جو راستے کے پتھر کو سر کا تاج بنا کر بیٹھی ہیں وہ کچھ نہیں ارے تو کیا کروں بہو کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دوں تاکہ بیٹا بھی ہاتھ سے چلا جائے اسی چیز کا تو میں ایک حل لائی ہوں امی لائیں 400 روپے نکالیں پیر بابا سے ایسا تعویذ لاؤں گی کہ مریم کی ساری امیدوں پر پانی پھٹ جائے گا اس کی گود اجاڑنے سے کیا ہماری زندگی بدل جائے گی یہ لو تعویذ اس تعویذ سے بھرے ہوئے سفوس سے 7 مہینے تو کیا ایک سال کا بچہ بھی منٹوں میں ختم ہو جائے گا اور اگر بھابھی بھی 400 روپے میں کیا تو پوری دنیا کو ختم کروا دو گی کیا بابا یہ دینے کیسے دودھ یا چائے میں ملا کے اس کو پلا دو شکریہ ایک دن اور کم ہو گیا لو آج کا دن تم کراس کرو